तो दोस्तों, इससे पहले हम लोग बात कर चुके थे कि मेरा मातृक और विमा क्या होती है। उसके बाद हम लोग डिस्कस किए थे कि मेरा गति यानी कि मोशन क्या होता है। तो गति और मातृक और विमा को कंप्लीट करने के बाद हम लोग आज देखेंगे कि सदिश राशि और अदिश राशि में क्या अंतर है, सदिश राशि क्या होता है, सदिश राशि और अदिश राशि में क्या क्या जनरल डिफरेंस है, किसमें डायरेक्शन होता है, किसमें मैग्नीट्यूड होता है, ये सारा डिस्कशन आज हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो में। उससे पहले दोस्तों, हम लोग बात करेंगे यहाँ पर एग्जाम के पर्पज से, क्योंकि एग्जाम में आपको आना ही आना है कि सदिश राशि कौन है, अदिश राशि कौन है। आपको चार वहां पर दे दिया जाएगा, जैसे ऊर्जा, समय, आयतन, द्रव्यमान, या तो ऊर्जा, कार्य, समय, विद्युत बल, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी, और उसमें से आपको पूछा जाएगा कि इन चार में से कौन सा मेरा सदिश राशि है, कौन सा मेरा अदिश राशि है। तो वहां पर आप ज्यादा कंफ्यूजन ना करें, उसके लिए यहाँ एक ट्रिक है, और ये ट्रिक को अगर आप याद कर लेते हैं तो आपके लिए सबसे अच्छी बात यही होगी कि आप एग्जाम में अगर बैठ रहे हैं तो आपको तुरंत माइंड में आपका हिट कर जाएगा कि हाँ, ये मेरा सदिश राशि है, ये मेरा अदिश राशि है। ठीक है, तो हम लोग अभी देखेंगे उसी चीज को कि कौन कौन सा मेरा सदिश राशि है, कौन कौन सा मेरा अदिश राशि है। तो ट्रिक इस प्रकार से है कुछ कि आपको बस याद करना है कि उस आर्द्रता को चाबी दो। ठीक है, आगे हम लोग डिस्कस करने वाले पूरा कि स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि सदिश और अदिश राशि क्या होता है, दोनों में क्या अंतर है, ठीक है, भौतिक राशियां क्या होती है, ये सारा चीज हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप अगर इस ट्रिक को जान लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद वाली बात होगी। तो ट्रिक मेरा क्या है कि ट्रिक हमको बोलता है कि आपको बस एक सेंटेंस को याद करना है, और वो मेरा सेंटेंस क्या है कि उस आर्द्रता को चाबी दो, उस आर्द्रता को चाबी दो। यहां उ से मेरा क्या आ जा रहा है, उ से मेरा ऊर्जा आ रहा है, क्या आ जा रहा है, उ से मेरा ऊर्जा आ रहा है। उस स से मेरा क्या आ जाएगा, स से मेरा यहां पर आ जाएगा समय, सौ से मेरा यहाँ पर क्या जा रहा, समय। उसके बाद आर्द्रता में आ जहाँ आ रहा उससे क्या हो जाएगा, आयतन। उसी प्रकार द्रव से मेरा हो जाएगा द्रव्यमान, उसी प्रकार मेरा द्रव से क्या हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा। ता से क्या हो जाएगा, तापमान हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा। उसी प्रकार को से मेरा कार्य हो जाएगा, ठीक है, को से मेरा कार्य हो जाएगा। और चाबी दो, चा से मेरा चाल हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा क्या हो जा रहा कि ये मेरा एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, ये सात आपको मालूम चल जाएगा कि भाई ये तो मेरा सदिश राशि है, यानी इसमें क्या है, मेरा मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शंस भी है। ठीक है, मैग्नीट्यूड के साथ मेरा डायरेक्शन भी है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सदिश राशि बोल सकते हैं। एक चीज़ हम यहाँ पर और आपके लिए अच्छी बात लेके आए हैं कि देखिए, हम लोग बहुत किसी को क्या होता है, बहुत किसी को कन्फ्यूज़ हो जाता है कि भाई परिणाम, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, इसमें थोड़ा मतलब दिक्कत आ जाता समझने में लोगों को। ठीक है, एग्जाम में बच्चे क्या होते हैं कि कंफ्यूज हो जाता है कि यार सदिश में क्या था, अदिश में क्या था। इसीलिए मैं यहाँ पर एक और चीज़ आपको बताता हूँ, जैसे सदिश, सदिश में आपको याद रखना है सौ से सभी हो जाएगा, सौ से क्या हो जाएगा, मेरा सभी हो जाएगा यहाँ पर। अब सौ से सभी हो जाएगा इसका मतलब क्या है भाई, तो सौ से सभी हो जाएगा मतलब इसके पास, आपके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपके पास डायरेक्शन भी है, ये इसका मतलब सभी हो जाएगा। मतलब सभी है का मतलब यहाँ आपको दोनों टर्म आपको इसमें मिल जाएगा, यानी इन सभी के पास मेरा क्या है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ मेरा डायरेक्शन भी है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ मेरा डायरेक्शन किसके पास पास है, ऊर्जा के पास है, समय के पास है, आयतन के पास है, द्रव्यमान के पास है, तापमान के पास है, कार्य के पास है, और चाल के पास है। तो ये तो हम लोग बात कर लिए सदिश के लिए कि हाँ भाई चलो, सदिश के लिए मेरे पास एक अच्छा सेंटेंस है कि उस आर्द्रता को चाबी दो। लेकिन अदिश के लिए कोई ऐसा है, तो हाँ बिल्कुल है, अदिश के लिए भी यहाँ पर एक सेंटेंस है, अगर उसको आप याद कर लेते हैं तो सदिश और अदिश में इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में। एग्जाम में बस आपसे यही पूछा जाता है कि सदिश राशि कौन कौन सा है, आपके पास चार ऑप्शन दे दिया जाएगा और चारों में से आपको पूछा जाएगा कि सदिश राशि ये है कि ये है कि ये है कि ये है, यानी कि चार में से आपको एक पिकअप करना है जो आपका राइट आंसर होगा। तो अगर आप इस सेंटेंस को याद कर लेते हैं तो आपको कोई भी आगे दिक्कत आने वाली नहीं है, यानी कि ये आपका साथ जो है, ये आपको तो मालूम चल जाएगा कि ऊर्जा, समय, आयतन, द्रव्यमान, तापमान, कार्य, चाल जो है, ये मेरा सदिश राशि है।
अब हम लोग बात करते हैं, चलिए अधिश राशि के बारे में, कि अधिश राशि में भी कुछ ऐसा सेंटेंस है। तो यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं आप अधिश राशि के, कि अधिश राशि में भी क्या कोई ऐसा ट्रिक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि अधिश राशि कौन कौन सा होता है। तो मेरा विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, देखिए डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपका जो है वो अधिश राशि है, जहां आपका स्पीड जो है यानी कि चाल जो है वो मेरा क्या है, सदिश राशि है। तो आपको ज्यादा इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, मैं आगे सारा डिटेल्स बात करने वाला हूँ सदिश अधिश राशि के बारे में। ये तो मैं अभी बस आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि रिमेंबर करने का प्रोसेस क्या होता है, क्योंकि एग्जाम में आपके पास ज्यादा टाइम नहीं रहेगा, आपको कुछ सेकेंड में ही है या कुछ मिनट में ही जो वो एक क्वेश्चन को आपको टिक आउट कर लेना है, ठीक है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपका जो है वो अधिश राशि है, जहां डिस्टेंस आपका क्या है, सदिश राशि है, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे ये सब सारी चीज को। अब हम लोग देखते हैं कि अधिश राशि जो मेरा है, ये अधिश राशि जो मेरा है वो मेरा कौन कौन सा है। तो विस्थापन हो जाएगा मेरा, वेग हो जाएगा मेरा वेलोसिटी, त्वरण हो जाएगा टॉर्क, और उसके पास बल, ठीक है, बल यानी कि ये चार जो आपका है, विस्थापन, वेग, त्वरण, बल। अब चलिए हम लोग बात करते हैं, ठीक है भाई ये सब तो ठीक है, लेकिन इसका भी कोई प्रोसेस है याद करने का। तो हाँ बिल्कुल है। तो आपको यहां पर क्या करना है, विषुवत बल, ये आपको याद कर लेना, विषुवत बल। तो ये चीज को अगर आप याद कर लिए, यानी कि आपका अधिश राशि भी क्या हो गया, वो कंप्लीट हो गया। और सदिश और अधिश राशि में ज्यादा आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, आपको यहां पर बस यही चीज को याद रखना कि सदिश राशि और अधिश राशि में क्या क्या डिफरेंस है। अधिश राशि में मेरा कौन कौन सा हो जाएगा, यहां पर अधिश राशि में लोग बात करेंगे कौन सा सेंटेंस को याद करने का, तो विषुवत बल। अब विशु से मेरा क्या हो जाएगा, यहां पर विशु से मेरा हो जाएगा विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट। वही हम लोग बात करें वेग की, तो वह से हो जाएगा वेग यानी कि वेलोसिटी। उसके बाद बोलते हैं त्वरण, तो त्वरण हो जाएगा मेरा, और बल, ठीक है। तो ये चार जो मेरा है, ये मेरा कौन सा राशि है, ये सब मेरा अधिश राशि है। कौन सा राशि है, अधिश राशि है। तो सदिश और अधिश राशि में आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करना है, आप ये अगर दो सेंटेंस को याद कर लिए तो आपके पास और कोई चारा नहीं है, आप सही आंसर टिक आउट करने ही वाले हैं, मतलब करने वाले हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं इसको एंड करने के बाद कि सदिश और अधिश को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट्स मेरे पास क्या क्या आने वाला है। तो चलिए हम लोग देखते हैं और बात करने वाले हैं कि सदिश और अधिश राशि को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या क्या मेरा टर्म आने वाला है। तो बहुत सा आपका एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आपको मिल जाएगा कि चलो भाई अगर हम सदिश को और अधिश को यानी कि अधिश इंटू सदिश अगर करते हैं तो मेरा रिजल्ट्स क्या आने वाला है। तो अधिश और सदिश को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा मेरा क्या आ जाएगा, वो मेरा सदिश ही रिजल्ट आएगा, ठीक है। कौन सा रिजल्ट आएगा, सदिश ही रिजल्ट आएगा। उसी प्रकार से हम लोग बात करें अगर कि सदिश और डिवाइडेड बाय अगर हम लोग करें अधिश, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आने वाला है, तो इसका भी मेरे पास रिजल्ट क्या आने वाला है, वो सदिश ही आने वाला है, ठीक है। तो सदिश और अधिश को अगर हम डिवाइड करें तो मेरे रिजल्ट्स क्या आने वाला है, वो मेरा सदिश ही आने वाला है। उसके बाद हम लोग बात करें कि अधिश इंटू अधिश करते हैं यानी कि अधिश इंटू अधिश करते हैं तो मेरा रिजल्ट्स क्या आने वाला है, तो उसका भी रिजल्ट मेरा क्या आने वाला है, अधिश आने वाला है। और अधिश डिवाइडेड बाय अधिश करते हैं, अगर अधिश डिवाइडेड बाय अधिश करते हैं तो इसका भी रिजल्ट मेरे पास क्या आने वाला है, इसका मेरे पास रिजल्ट आने वाला है अधिश, ठीक है। इसका भी रिजल्ट मेरे पास क्या आने वाला है, अधिश आने वाला है। तो आगे हम लोग अब क्या करते हैं, पूरा डिटेल्स में जानते हैं कि सदिश और अधिश राशि में क्या क्या डिफरेंस होता है, क्या क्या डिफरेंस नहीं होता है, भौतिक राशि क्या होता है, वो सारा चीज हम लोग आगे इस वीडियो में देखते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, वो हम लोग विस्तार से जानने वाले हैं कि सदिश और अधिश राशि क्या क्या होता है, यानी कि वेक्टर क्या होता है और स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। वेक्टर को ही हम लोग बोलते हैं सदिश राशि और स्केलर को बोलते हैं हम लोग अधिश राशि, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी में क्या क्या डिफरेंस है, आपको मैं यहाँ पर पूरा डिटेल्स देने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपका पूछा गया कि यहाँ पर दिया गया कि भौतिक के नियमों को सही रूप से लागू करने के लिए सभी भौतिक राशियों को दो वर्गों में बांटा गया। अब भाई सबसे पहले हमको ये समझना कि यहाँ भौतिक राशि क्या होता है, भौतिक राशि मतलब क्या होता है, ये किनके बारे में चर्चा हो रही है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ भौतिक राशि जो मेरा यहाँ पर दिया गया ये किसके बारे में चर्चा हो रही है, तो देखिए भौतिक के नियम यानी कि फिजिक्स में बहुत सारा नियम लागू हुआ है, ठीक है, जैसे स्पीड, वेलोसिटी,
एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, इंपल्स, वर्क पावर, प्रेशर, सरफेस टेंशन, काइनेटिक एनर्जी, प्लैंक्स कांस्टेंट, वोल्टेज, तो बहुत सारा जो है वो मेरा भौतिक राशि है, यही सब जो है वो मेरा है। तो इन सभी को मुझे सही रूप से समझने के लिए क्या किया गया है कि भौतिक के नियमों को सही रूप से समझने के लिए भौतिक राशियों को दो वर्गों में बांटा गया, पहली बात। अब चलिए, दो वर्गों में बांटा गया वो तो सही बात है, लेकिन कौन कौन सा दो वर्गों में बांटा गया है? तो उन्हीं चीज को समझने के लिए क्या किया गया है कि भौतिक के नियमों को सही रूप से समझने के लिए इनको दो वर्गों में बांटा गया, जिसको हम लोग पहला क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। तो पहला हम लोग क्या बोलते हैं इसको, स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशि, और दूसरा जो मेरा बात करते हैं तो यहां पर मेरा आ जाता है वेक्टर क्वांटिटी यानी कि मेरा सदिश राशि। तो यही मेरा सदिश राशि और अदिश राशि है। अब चलिए, ये तो बात ठीक है भाई, हमको समझ में आ गया कि सदिश जो भौतिक राशियां जो है इनको दो वर्गों में बांटा गया, एक जो मेरा सदिश राशि है, दूसरा मेरा अदिश राशि है। लेकिन सदिश और अदिश राशि में जनरली क्या डिफरेंस है वो हम लोग आगे इस वीडियो में बात करने वाले फिर से, ठीक है? तो देखिए, सदिश राशि और अदिश राशि में जनरली क्या डिफरेंस है, तो अगर हम बात करें अदिश राशि की यानी स्केलर क्वांटिटी की, स्केलर क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो इन राशियों के पास केवल परिणाम होता है, इन राशियों के पास केवल परिमाण होता है, तथा ये बीजगणित एलजेब्रा के नियमों का पालन करती है, जैसे दूरी हो गया, समय हो गया, द्रव्यमान हो गया, तो इनके पास केवल परिमाण ही होता है, इनके पास डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है? तो इनके पास केवल परिमाण ही होता है, इनके पास डायरेक्शन नहीं होता है। अब जैसे हम लोग बात करते हैं कि इसके पास चलिए सिर्फ डायरेक्शन ही होता है, नहीं होता, तो आगे हम लोग बात करते हैं इसका थोड़ा डिस्कस करके। तो मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं कोई कि 1 किलो का कोई मेरा सामान है, 1 किलो यानी मास हो गया मेरा, तो 1 केजी का हम कुछ सामान ले लिए, उसमें क्या होगा, सिर्फ मास ही होगा, सिर्फ परिमाण ही होगा ना, उसका तो कोई डायरेक्शन नहीं होगा कि वो 1 किलो मेरे इधर जाएगा, वो किलो मेरा इधर जाएगा, ये 1 किलो मेरा इधर जाएगा, ये 1 किलो मेरा उधर जाएगा, तो ऐसा तो कुछ बात नहीं है, ठीक है? तो इसमें मेरा अदिश राशि में क्या होता है कि इसके पास केवल परिमाण ही होता है। जैसे क्या हो गया मेरा दूरी, डिस्टेंस। अब डिस्टेंस बंदा, अगर बंदा एक जगह से दूसरा जगह तक जा रहा है, ठीक है, तो इसके पास केवल एक ही चीज़ है, वो परिमाण ही है। द्रव्यमान वही बात हो गया, समय वही चीज़ हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ देखें कि अदिश राशि में क्या क्या चीज़ होती है, क्या क्या चीज़ नहीं होती है, क्या डिफिनेशन है इसका, कौन कौन से राशि जो है वो अदिश राशि है। तो दूरी हो जाएगा, समय हो गया, द्रव्यमान हो जाएगा, और भी बहुत सारा है, मैं आपको पिछले ट्रिक्स में बताया हूँ, वहाँ से आप इसको देख लीजिए, सही प्रोसेस आपको जानना है तो। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं फिर से कि सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। आपको ये चीज़ याद रखना, अदिश मतलब अकेला, सदिश मतलब सभी, ये चीज़ अगर आप जान लिए तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाली है। तो सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है, वैसी राशियां जिनके पास परिमाण तथा दिशा दोनों होती है। ये ट्रायंगल, त्रिभुज के नियम लो और समांतर चतुर्भुज के नियम यानी पैरेललोग्राम फ्लो को पालन करती है, जैसे बल हो गया, त्वरण हो गया। अब देखिए फोर्स क्या होता है, बल जो है मेरा, बल हम कोई चीज पे लगा रहे हैं, अगर मान लीजिए ये मेरा एक पत्थर है और इधर से अगर हम बल लगा रहे हैं इस चीज पे, तो या तो वो इधर जाएगी, या तो वो इधर जाएगी, या तो वो इधर जाएगी। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि बल जो है मेरा वो कोई भी डायरेक्शन में जा सकती है। तो इसके पास या तो दोनों चीज़ है, इसके पास दोनों चीज़ है तभी ना ये इधर उधर जा रही है, यानी कि डायरेक्शन भी ये फॉलो कर रही है। कि अगर हम कोई भी चीज़ पर अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, कोई चीज़ पर अगर हम फोर्स लगाते हैं, तो वो चीज़ या तो उस डायरेक्शन में भागेगी, या तो इस डायरेक्शन में भागेगी, या तो उल्टा दिशा में भागेगी। ये चीज़ है, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग देखें कि सदिश राशि जो है मेरा, सदिश राशि वो दोनों चीज को फॉलो करती है, डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड, और आप बोल सकते हैं कि इनके पास परिमाण तथा दिशा दोनों चीज होती है। किनके पास? सदिश राशि के पास। कौन कौन सा है? और यहां पर आप लोग एक चीज देख लीजिएगा, ये ट्रायंगल लो यानी कि ट्रायंगल लो को भी फॉलो करती है और पैरेललोग्राम लो को भी फॉलो करती है। जिससे कौन कौन सा हो गया, बल हो गया, त्वरण हो गया, और भी बहुत सारा है। आप पीछे जाइए जहां मैंने ट्रिक्स को बताया हूं, वो चीज को आप अगर आप याद कर लिए तो आपको इसमें ज्यादा कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं पड़ेगा, और ठीक है। उसके बाद हम लोग यहां कुछ और देखते हैं चीज को कि इलेक्ट्रिक करंट के पास
दिशा होने के बाद भी यह अदिश राशि है। इलेक्ट्रिक करंट जो मेरा होती है, विद्युत धारा, इनके पास दिशा भी होती है, क्योंकि करंट जब फ्लो करती है वो हर एक डायरेक्शन में फ्लो करती है, ठीक है, वो हर एक डायरेक्शन में फ्लो करती है। लेकिन ये सब होने के बाद भी यह ट्रेंगल के नियम का पालन नहीं करती है। बस यही कारण है कि ट्रेंगल के नियम का पालन ये नहीं करती है, इसीलिए जो मेरा इलेक्ट्रिक करंट है वो मेरा कौन सा है, अदिश राशि है। कौन सा राशि है? बिल्कुल अदिश राशि है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि सदिश राशि को दर्शाने के लिए तीर का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ये हम लोग शुरू में पढ़े थे ट्रैक्टर, ट्रैक्टर इज ए वेक्टर, तो ट्रैक्टर का मुंह हमेशा इधर होता है, डायरेक्शन वो किस डायरेक्शन में जाती है, इस डायरेक्शन में जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग काफ़ी सारे चीज़ को चर्चा किए कि सदिश राशि क्या होती है, अदिश राशि क्या होती है, दोनों को याद करने के लिए ट्रिक्स क्या होती है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है, भौतिक राशियाँ क्या होती है, सदिश राशि का डिफ्रेंशन क्या होता है, अदिश राशि का डिफ्रेंशन क्या होता है। तो इन सारा चीज़ को आप अगर याद कर लिए तो इससे ज़्यादा आपको एग्जाम में पूछने वाला नहीं है, क्योंकि एग्जाम में बस आपसे यही चीज पूछा जाता है कि सदिश राशि कौन कौन सा है, अदिश राशि कौन कौन सा है, दोनों में डिफरेंस क्या है। अधिकतर क्वेश्चंस आपका यही पूछा जाएगा कि आपको चार और आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, चाल, दूरी, समय, ये वो, लंबन फन, और आपको वहां से पूछा जाएगा कि इसमें से सदिश राशि कौन सा है, इसमें से अदिश राशि कौन कौन सा है, बस। तो आपको यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट ये आपको याद कर लेना है एकदम, इनके पास दिशा होने के बाद भी यह कौन सा राशि है, अदिश राशि है, ठीक है। और साथ ही हम लोग यहाँ पर जो बात किए थे, तो ये टर्म की जो हम लोग बात किए थे, तो ये चीज़ को आपको बिल्कुल ही याद कर लेना है, बिल्कुल ही याद कर लेना है, क्योंकि ये चीज़ अगर आप याद कर लिए तो इससे ज़्यादा आपको कहीं और नहीं पूछा जा रहा है, क्योंकि ये उस आर्द्रता को चाबी दो और विस्वत वाला आपको दोनों चीज़ को याद कर लेना है। वहाँ से अगर आप इन दोनों को याद कर लेते हैं, इन दोनों ट्रिक्स को अगर आप याद कर लेते हैं, तो आप एग्जाम में इस सारे क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं सिंपल तरीका से। अभी तक के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो जो है वो हम क्या अपलोड करने वाले हैं वो हम अगले वीडियो में आपको बता देंगे। बेल आइकन्स को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि सबसे खास बात यह है कि अगर आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो सबसे पहले अपडेट आप ही को मिल जाएगा कि हाँ ये वीडियो अपलोड हो गया है। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, अभी तक के लिए बस। तो हम लोग यहाँ बात करेंगे सदिश और अदिश को लेकर कि सदिश और अदिश में क्या डिफरेंस है। तो एक टर्म आपको बात करना ये जो मुझसे छूट गया था कि सदिश और अदिश राशि में वो जनरल डिफरेंस क्या था। तो अदिश का अगर हम बात करें तो ये अकेला होता है, यदि अकेला का बात करें तो इसके पास सिर्फ मेरा परिमाण ही होता है, ठीक है। जहाँ हम लोग बात करें सदिश का तो इसके पास सभीक है, यानी कि सभी है, तो इसके पास दोनों चीज़ है, यानी कि परिणाम के साथ साथ इसके पास जो है वो दिशा भी होती है, तो ये दोनों चीज़ होती है। तो ये मुझसे वीडियो में छूट गया था, सदिश के लिए तो मैंने बताया था लेकिन अदिश के लिए मैंने नहीं बताया हुआ था, तो ये चीज़ आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा।